यूपी में सभी पार्टीज के लीडर्स जमकर रैली कर रहे हैं और ऐसे में डायलॉग बाजी और सटायर्स का दौर भी जारी है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बयानबाजी इन दिनों अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के बीच चल रही है। कभी मोदी का पलड़ा भारी होता है तो कभी अखिलेश का। चुनावी बयानबाजी के इस माहौल में कौन किस पर कब निशाना लगा दे और कौन कब बयानबाजी के जाल में फंस जाए, कोई नहीं जानता। फिलहाल तो पॉलिटिक्स से अपने आप को अक्सर दूर रखने वाले अमिताभ बच्चन इस चुनावी डायलॉग बाजी के नए शिकार होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एक रैली में अमिताभ बच्चन पर चुटकी लेते हुए कहा, एक गधे का विज्ञापन आता है, मैं सदी के सबसे बड़े महानायक से कहूंगा कि आप गुजरात के गधों का प्रचार मत कीजिए। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन गुजरात पर्यटन के अम्बेसडर हैं। गुजरात पर्यटन के ताज़ा विज्ञापन में अमिताभ बच्चन के साथ कई गधों को दिखाया गया है। इसी विज्ञापन की बात करते हुए अखिलेश ने निशाना तो साधा मोदी पर, लेकिन साथ ही गुजरात पर्यटन के अम्बेसडर अमिताभ बच्चन को भी लपेट लिया। कहा जा सकता है कि इलेक्शन के इस टाइम में चुनावी बयानों से पब्लिक का तो जमकर एंटरटेनमेंट हो रहा है, और रही बात अखिलेश के गधे वाले स्टेटमेंट की, तो अमिताभ बच्चन तो इस मामले में बोलने से रहे। लेकिन ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि मोदी अखिलेश के इस नहले पे क्या दहला मारते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।